टीवी के बहु बेटियों को साड़ी और ड्रेसेस पहने तो हमेशा ही देखा होगा, लेकिन क्या आप जानना चाहते हो रियल लाइफ में किस तरह से पहराव करते हैं? तो यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त है सुरभि यानी कि रोशनी सहोटा, जो कि आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। हाँ, बिकॉज हम लोग सीरियल्स में कैसे पूरे सूट में होते हैं ऊपर से नीचे तक ढके हुए, और सुरभि का कैरेक्टर तो उन लोगों ने ऐसे ही बना दिया था कि यहाँ से यहाँ तक पूरे पैरों तक वो ढकी हुई थी। बट होपफुली अब उन लोगों ने अलग से सूट देने कॉस्ट्यूम शुरू किया है, जो कि अच्छा है, थोड़ा रिवीलिंग तो है कम से कम। सो मैं वो सारी कसर घर पर निकालती हूँ जो मेरी शूट पे नहीं निकल पाती है, मुझे फुल ऑन कपड़े ऐसे ठूस देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो सब कसर मैं घर पे निकालती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ घर पे एकदम कैजुअल रिलैक्स। या शूट पर भी मेरा ऐसे ही होता है कि सबसे रात को एक बार डिसाइड करना पड़ता है, अच्छा सुबह ये पहन के जाना है, ओके फाइन। सो जब सबसे आगे वही चीज़ें रखी जाती है जो सुबह पहन के जानी होती है, वो ऐसे ही कुछ होता है जो जल्दी से पहन लिया जाए और इतना शॉर्ट सा हो कि ऐसे भी ना हो कि अरे यार ये फंसाना है या सूट पहनना है या चुन्नी संभालनी है। पूरा दिन एक एक्टर को हैवी कपड़े पहनने पड़ते हैं, ड्रेसेस और साड़ियाँ कितनी हैवी होती है, तो रिलैक्स करने के लिए बाद में जब आप ऑफ स्क्रीन होते हो तो ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते। हम लोग शूट के टाइम पर भी समटाइम ऐसे करते हैं कि शॉट में अगर हमारा टाइम है अभी मास्टर के बाद क्लोज में टाइम है, सो मैं तो कई बार ऐसे करती हूँ कि मैं अपने कपड़े जो शूट वाले हैं वो उतार के दोबारा अपने नॉर्मल अटायर में आ जाती हूँ। लंच ब्रेक में हम सब अपने कपड़े पहन अपने घर के कपड़ों में खाना वाना खा रहे होते हैं, क्योंकि इतना रिलैक्स लगता है, वो कॉस्ट्यूम इतना हैवी, ऊपर से ज्वेलरी इतनी हैवी, ऐसा लगता है कि क्या है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे फोटोग्राफ भी है, इन सारे फोटोग्राफ्स में देखा जाए तो अलग अलग रूप दिख रहे हैं आपके, लहंगे में अलग है, ड्रेस में अलग रूप है, एंड कैजुअल्स में देखा जाए, शॉर्ट्स में देखा जाए, काफ़ी अलग। हाँ, कैजुअल्स में बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है और छोटे लगते हैं हम अपनी एज ग्रुप से। मुझे तो वैसे ही देख के कोई नहीं कहता है कि ओह माय गॉड अच्छा वैसे हो। सो ऑफ स्क्रीन अगर मैं किसी को दिख भी जाती हूँ बाहर तो पहचान ही नहीं पाते हैं पहले तो कि अरे ये सुरभि ही है, और फिर उन्हें सबसे जो मेजर पहचान अगर लोगों को मेरे सुरभि होने की होती है तो उन्हें आँखें, उन्हें सिर्फ मेरी आँखों से पता चलता है कि अरे ये सुरभि ही है, और वैसे उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता, ऐसे कहते हैं अरे आप कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह हो। रोशनी को अगर पूछा जाए इन सब में उनका फेवरेट कॉस्ट्यूम कौन सा है? मेरा फेवरेट कॉस्ट्यूम वैसे तो मैं इंडियन में ज़्यादा वो होती हूँ कंफर्टेबल, बट अब जैसे रोज शूट पर जाना एंड ये सब के लिए इंडियन कौन देखेगा, सो मेरा ये वाला, ये है एक ऑफ शोल्डर टॉप जो अब इसमें आपको पूरा दिख ही नहीं रहा होगा, नीचे हॉट पैंट्स है, ऊपर ऑफ शोल्डर टॉप है, और ये एक ड्रेस है मेरा, वन पीस सिंगल पहना और चलो। या और ये एक ड्रेस है, ये मेरे मेकअप रूम का ही फोटोग्राफ है, ये मेरे मेकअप रूम का ही है, या ये शक्ति के सेट का है, ये मेरे मेकअप रूम का है। सो ये जो है ये मेरे वो ऊपर मेकअप रूम का है ऊपर वाला, तो ये सब आधे से ज़्यादा फोटोज तो शक्ति की हैं इसमें। और जब रोशनी शॉपिंग के लिए जाती है किन कपड़ों पे टूट पड़ती है? ऐसी मेरी तो मम्मी कई बार बोल रही होती कि कुछ ढके हुए कपड़े भी पहन लिया करो कि स्किन खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी, ये है वो है। मैं बोला मम्मी वो सब कसर मैं शूट पे पूरी करती हूँ, सब कसर मैं शो में निकालती हूँ, और जब मैं बाहर आती हूँ जैसे ही सुरभि के अवतार से तो मैं ऐसी ही होती हूँ, यहाँ तक कि मेरा नाइट सूट भी छोटू सी निक्कर है। Can you imagine? रोशनी अवतार। तो आपने फैंस को क्या कहना चाहोगी जाते जाते? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे जैसे छोटे ही कपड़े पहनो, बट वो कपड़े पहनो जिसमें कंफर्टेबल आपको लगे, जो आपको पसंद हो, वैसे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, मैं हमेशा वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ, मैं इंडियन भी पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, हालांकि इंडियन में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, बट ये बहुत ही कूल और कैजुअल है, और मुंबई इज़ लाइक अ नाइट लाइफ, नाइट सिटी है मुंबई की, और मुंबई में तो आप ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हो। थैंक यू सो मच रोशनी, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ देसी विदेशी थीम के ऊपर बात करते हुए। वीर जनस कामेश हल्दे के साथ पूजा नवाते, न्यूज़ नेशन मुंबई।